धर्म। हर कोई धर्म के विषय पर विचार करता है, कोई अपने ही धर्म के विषय में, कोई अन्य के धर्म के बारे में। किसी के अधर्म को लेकर चर्चाएं तो होती ही रहती है। ऐसा कोई नहीं है कि जो धर्म के विषय पर विचार न करता हो। किंतु वास्तव में धर्म है क्या? क्या कोई ये समझ पाया है? धर्म मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ, समस्त सृष्टि के साथ सुख से जीने का ज्ञान देता है। अर्थात धर्म मनुष्य के सारे संघर्षों का नाश कर देता है। यही कारण है कि किसी धर्म के स्थान पर मनुष्य को सदा ही शांति प्राप्त होती है। क्या यह आपका अनुभव नहीं? परंतु यह किस प्रकार संभव है कि किसी मनुष्य को किसी अन्य के साथ कोई भी संघर्ष ना हो? विचार करें, क्या जहां पर प्रेम होता है वहां संघर्ष भी होता है? आप कहेंगे हाँ, अवश्य होता है। किंतु आप थोड़ा और विचार करेंगे तो ये जान जाएंगे, जिस समय संघर्ष होता है उस समय प्रेम का विस्मरण हो जाता है और फिर इच्छाएं जागती है, अहंकार जागता है, क्रोध जागता है, पर प्रेम ना, प्रेम नहीं जागता। क्योंकि जहां पर प्रेम जागता है वहां पर सारे विवाद, सारे संघर्ष, सारे झगड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसा ही प्रेम समस्त विश्व के लिए जाग जाए तो केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी के लिए, घास के तिनके के लिए भी यदि हृदय में प्रेम हो तो क्या कहीं कोई भी क्रोध का कारण रह जाता है? नहीं ना। यदि ऐसा ही प्रेम समस्त विश्व के लिए जाग जाए तो उसे ही करुणा कहा जाता है। करुणा अर्थात सारे विश्व का स्वीकार, कहीं किसी के लिए कोई विरोध नहीं, सबके लिए केवल प्रेम और कुछ भी नहीं। करुणा ही वास्तव में सारे धर्मों का सार है। धर्म यदि वृक्ष है तो करुणा ही उसका मूल, उसकी जड़। परंतु बार बार ऐसा समय आता है कि मनुष्य धर्म के मूल को ही भूल जाता है, कुछ परंपराओं को पकड़कर बैठता है और करुणा को तो भुला ही देता है। और फिर ये जगत भर जाता है संघर्षों से, ईर्ष्याओं से, शोषण से, क्रोध से, बैर से, अर्थात अधर्म से। और तब परमात्मा को अवतार धारण करना पड़ता है मनुष्य को वास्तविक धर्म का ज्ञान देने के लिए। महाभारत की एक कथा भी ऐसे ही समय की कथा है, जब कुछ लोग परंपराओं को धर्म मानकर जीते थे और दूसरे अधर्म से भरे थे। बैर, क्रोध, महत्वाकांक्षाओं के भंवर में फंसकर धर्म का नाश कर रहे थे। व्यक्ति को व्यक्ति से प्रेम तो था, लेकिन समस्त विश्व के लिए प्रेम नहीं था हृदय में, करुणा नहीं थी। इसी कारण से मैंने अवतार धारण किया, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को मुक्त करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम, बुरा कार्य करने वालों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनाथाय, धर्म की स्थापना के लिए। मैं वासुदेव कृष्ण प्रवेश करने जा रहा हूं महाभारत की इस कथा में।